नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कोरोना COVID-19 जहां महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला हुआ है, वहीं भारत सरकार के प्रयास से इस पर काफी हद तक हम विजय पा चुके हैं। हम देखेंगे कि विश्व की मृत्यु दर और भारत की मृत्यु दर का जो अंतर दिखलाई दे रहा है, वह निश्चित रूप से यह कहता है कि भारत का जो पराक्रम है, यहाँ के जो हमारे चिकित्सक हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं और हमारे समाज सेवक हैं और हमारी जो सरकार है, बढ़कर संकल्पित है कि कोरोना COVID-19 को जड़ से उखाड़ कर हम फेंक देंगे। आयुष विभाग लगातार इस प्रयास में लगा हुआ है कि वह कोरोना COVID-19 को हराने में अपने एक अहम भूमिका का निर्वहन करेगा। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर दमोह के जो कलेक्टर हैं तरुण कुमार राठी के निर्देशन में और जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार कुर्मी के निर्देशन में और जो हमारे दमोह जिले के जो चिकित्सक हैं डॉक्टर अनुराग अहिरवार के मार्गदर्शन में लगातार कोरोना COVID-19 को हराने के लिए आयुष विभाग की जो दवाइयां हैं उनका वितरण किया जा रहा है। एक काढ़े का वितरण, एक गोली का वितरण और लोगों को चला है कि आप बाहर ना निकलिए, आप लॉकडाउन का पालन करिए और इन दवाओं का सेवन करिए। यह जो दवाएं हैं वह दवाएं लोगों में एक रोग प्रतिहर शक्ति का को उत्पन्न करती हैं, यानी एंटीबॉडी बनाती हैं और आयुर्वेद में प्रयोग की जाने वाली ये करोड़ों वर्ष पुरानी ये दवाओं का सेवन यहाँ पर कराया जा रहा है, जिसमें एक काढ़े का प्रयोग है और काढ़े में जो है पीपल, सौंठ, काली मिर्च और साथ में तुलसी पत्र, गिलोय, इस सबको एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित मात्रा में दबाव को डालकर उबाला जाता है और फिर इसको एक निश्चित अनुपात में प्रति व्यक्ति को सेवन करने के लिए दिया जाता है और इससे बढ़ती है आदमी के अंदर रोग प्रतिहर क्षमता। इसमें आज इसी काढ़ा वितरण के क्रम में एक कॉलोनी, सुभाष कॉलोनी में दवा का वितरण किया गया। किस प्रकार दवा का वितरण हुआ और क्या कहते हैं इस संबंध में आयुष विभाग के चिकित्सक डॉक्टर अनुराग अहिरवार, आइए हम आपको सुनवाते हैं। कोरोना COVID-19 को पराजित करने के लिए आयुष विभाग ने भी कमर कस के रख ली है। आयुष विभाग लगातार लोगों में जन जागृति लाने का प्रयास कर रहा है, लोगों को समझा रहा है, उसके चिकित्सक लगातार लोगों में उत्साह भर रहे हैं और यह बतला रहे हैं कि किस प्रकार कोरोना COVID-19 से हम लड़ सकते हैं। एक दवाओं का वितरण भी किया जा रहा है, आयुर्वेद की दवा त्रिकटू जिसमें मिला हुआ है पीपल, सौंठ, काली मिर्च, गिलोय, तुलसी के काढ़े का वितरण यहां पर किया जा रहा है। दमोह के कलेक्टर तरुण कुमार राठी के निर्देशन में तथा नगरी क्षेत्र में डॉक्टर अनुराग अहिरवार के मार्गदर्शन में लगातार ये कार्रवाई चल रही है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं अनुराग अहिरवार से हमने चर्चा की। कोरोना COVID-19 के बचाव के संबंध में आयुष विभाग अपनी तरफ से कुछ काढ़े का वितरण कर रहा है, कौन सा काढ़ा और कहां वितरण कर रहे हैं? सर, ये हमारे जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर आई के कुर्मी के निर्देशन में और श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशन में ये पूरा कार्य चल रहा है। सर, हम लोग आज कौन सा है, सुभाष कॉलोनी में हम लोग काढ़े का वितरण कर रहे हैं। सर, इस काढ़े को त्रिकटू, सौंठ, मरीच, पिपली और प्लस तुलसी पत्र और गिलोय, इन सबको मिला के ये बनाया हुआ काढ़ा है। सर, इसको आज हमने सुभाष कॉलोनी में एक साइड में पूरे में इसको पिलाया गया है। सर, और अगली बार इसको हम लेके आएंगे और पिला के आएंगे पूरे कॉलोनी को, एक एक बाई कॉलोनी वाइज कॉलोनी इसको निपटाते जा रहे हैं वार्ड बाई वार्ड। सर, इसको यानी पूरे के पूरे 39 वार्डों में आपकी सेवाएं देने के लिए आप? बिल्कुल सर, हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब सब लोगों को इसका फ़ायदा मिले, क्योंकि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो संभावना ये जताई जा रही है कि शायद इससे बचाव अपन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और
साथ ही हम लोग लोगों से मिल भी रहे हैं, जिससे उनको नसीहत दे सकते हैं, घर से बाहर नहीं निकलना है, लॉकडाउन चल रहा है, तो इससे सर ये उनमें अवेयरनेस फैलेगी सर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है कुछ जी, बात को जी 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 सर बिल्कुल सर। हम लोग जैसे पहुँचते हैं वो घर के बाहर गेट पर खड़े हो जाते हैं सभी लोग, अपना अपना गिलास लेके या लोटा लेके, उसमें उस काड़े को हम लोग दे रहे हैं, सबको समझाइश दे रहे हैं कि कितनी कितनी मात्रा में देना है और क्या क्या देना है इसको सर। कोई आप टेबलेट भी दे रहे हैं इसके साथ? जी सर, इसके साथ में हमने सनसमनी बटी है जो शुद्ध ग्लोय से बनी हुई बटी है सर, इसको बड़े लोगों के लिए 2 गोली दे रहे हैं, छोटे मतलब 0 से लगा के 3 साल तक के बच्चों को इसमें निषेध किया है हम लोगों ने सर, 3 साल से लेके सर 10 साल तक के बच्चों के लिए हम लोग 1-1 टैबलेट दे रहे हैं और 10 साल से लेके 15 साल तक 1.5 दे रहे हैं और उसके ऊपर 2-2। यह थे डॉक्टर अनुराग कुमार अहिरवार, आयुष विभाग में ये अधिकारी हैं, चिकित्सक हैं और करोड़ों वर्ष पूर्व ईजाद आयुर्वेद की पद्धति के आधार पर जो दवाओं का निर्माण किया गया है उसी पद्धति को अपनाते हुए कोरोना COVID-19 से लड़ने की ताकत उत्पन्न करने की दवाओं का वितरण किया जा रहा है। समाचारों के लिए देखते रहिए LMB TV, जुड़िए हमसे, हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार।